हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि क्या होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव डायरेक्ट कम्युनियन होता है हमारे सोल के साथ, वो पाथवे होता है जो कि जिससे कि हम हमारे सोल से मिल सकते हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिसेस में हम हमारी लाइट्स और हमारे जो डार्क्स दोनों ही पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिसेस हमको एम्पावर करती हैं, हमें हाई वाइब्रेशन में रखती हैं। ये जो प्रैक्टिसेज है हमको तीनों लेवल पे नर्चर करते हैं, सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और बॉडी लेवल पे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस जो हमको हमारी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। नंबर वन, अपने कोर बिलीव्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जानिए। वो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो कि आपको डिसएम्पावर करके रखते हैं, जो आपको लो वाइब में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए जजमेंट रखती हूँ कि मैं बहुत पतली हूँ और मेरा कलर बहुत बड़ा डार्क है, इसलिए मैं दूसरों के सामने इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। इसको जस्ट पिविट कर दीजिए, ये आपका लिमिटिंग बिलीव है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता, आपको हाई वाइब में नहीं रखता। इसको पिविट कर दीजिए, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए कि ऑल्दो आई एम स्किनी, या मैं पतली हूँ, या मेरा कलर डार्क है, बट, या फिर आई एम स्किनी, आई एम लिटिल डार्कर एंड आई एम वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। इसी तरीके से आपने पूरे सेंटेंस को एम्पावरिंग थॉट में चेंज कर दिया और आपने उस पार्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया जिस पार्ट को आप हाइड कर रहे थे कि आप इस बात को मानते नहीं है। अब आप उस बात को भी मानने लगे कि ओके आई एम स्किनी। आप किसी चीज को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो पावर आपके पास आ जाती है, ना कि आपने उसको हाइड करके रखते हैं। जितनी भी चीजें आप हाइड करते हैं वो सारी आपकी शेडोज बन जाती हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपके सामने ही आप दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप अपने जितने भी फ्लॉज हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक एंड के साथ जोड़ के एक नया एम्पावरिंग सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पेक्टिकल गर्ल, I have glasses and I am very smart and beautiful girl. तो कैसे इसमें पावर आ गई? अगर मैं ऐसे कहती कि मैं एक चश्मिश लड़की हूँ, it is very low vibe. मैंने इसको pivot कर दिया कि मैं एक चश्मिश हूँ पर बहुत ही सुंदर चश्मिश हूँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही क्यूट और बहुत ही empowering लगा। तो इसी तरह आपको अपने thoughts को change। Number two, अपने लिए stand लीजिए, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है अपने advocate बनिए। फॉर एग्जाम्पल, जानिए कि आपके नॉन निगोशिएबल्स क्या हैं, आपके डील ब्रेकर्स क्या हैं, जानिए आपके वैल्यूज क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए 8 घंटे नींद लेना एक नॉन निगोशिएबल है। इस चीज को जानिए, अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आप अच्छा नहीं फील करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाएंगे। तो ये एक नॉन निगोशिएबल है, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि ये मेरा नॉन निगोशिएबल है। ये अगर आपने ऐसा किया कि मुझे 8 घंटे से भी कम नींद लेने पे मजबूर किया, तो एक डील ब्रेकर है, मैं आपका कोई भी काम नहीं कर सकती। इसी तरह आपने ये बाउंड्रीज रखी, तो अपने बाउंड्रीज को, वैल्यूज को, नॉन निगोशिएबल्स को, अपने डील ब्रेकर्स की लिस्ट बनाइए, उनको जानिए, उनको मानिए कि इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अगर इन चीजों को, इन बाउंड्रीज को कोई भी तोड़ता है तो आप अपना काम नहीं करने वाले, आपका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होने वाला। नंबर थ्री, अपने मेंटल ट्रैप्स को जानिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कोई बात कहता है, वो कहता तो किसी और वे में है लेकिन आप उसको दूसरे वे में ले लेते हैं, और वो छोटी सी बात थी जिसको आप बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इस तरह की बातें होती है जिसमें आप बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारा अपने माइंड में थॉट्स लाते हैं, ले जाते हैं, अपने दिमाग को ओवरबर्डन कर देते हैं। अपने माइंडफुल थिंकिंग की जगह आप एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, जो कि बहुत ही वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे छोटे छोटे थॉट्स जो आपको ट्रिगर कर जाते हैं, उनको जानिए कि क्या रियलिटी में उस इंसान ने वो सेंटेंस इसी रिस्पेक्ट में बोला था या मैं उसको बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ बोला ऐसा या कुछ किया, तो पहला तो क्वेश्चन ये कीजिए कि क्या मेरे पास 100% ये गारंटी है कि इन्होंने इसी वे में कहा है इस सेंटेंस को। दूसरा, क्या मेरे पास कोई एविडेंस है जो कि ये बता सकता है कि इन्होंने ये बात इसी वे में कही है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो उसको अपना मेंटल ट्रैप मान लीजिए, उसको मान लीजिए कि आपका दिमाग ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है, ये आपको लो वाइब में रखेगा।
तो अपने लो वाइब वाले जितने भी थॉट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा और अपने जितने भी हाई वाइब वाले थॉट हैं उनको जगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस इंसान ने आपको ये सेंटेंस कहा था तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि उन्होंने ये सेंटेंस मेरी भलाई के लिए कहा था, या फिर उन्होंने ये सेंटेंस कहा था लेकिन मैंने उसको एक्सेसिव थिंकिंग कर ली जो कि मेरी गलती है, वो इंसान बहुत अच्छा इंसान। नंबर 4, अपनी लाइफ में सॉलिट्यूड को इंक्लूड कीजिए। एक एकांत अपने लाइफ में लाइए, क्योंकि एकांत एक वैक्यूम क्रिएट करता है मोर एंड मोर मैनिफेस्टेशंस के लिए। एक वैक्यूम जब क्रिएट करता है तो उसमें सारा ही आसपास की एनर्जी उसमें आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दिस हैज बिकम लाइक अ पिट, एक गड्ढा बन गया है जहाँ पे हम इजिली कोई चीज पोर कर सकते हैं। तो वहां पे सॉलिट्यूड एक ऐसा ही काम करता है, सॉलिट्यूड स्पेस क्रिएट करता है हमारे नए नए आइडियाज के लिए, हमारी इंटरनल एनर्जीज को बाहर लाने के लिए। जो हम बाहर देखते हैं हमारे इंटरनल का रिफ्लेक्शन होता है। तो अपने सॉलिट्यूड में आइए, क्योंकि सॉलिट्यूड में आपकी जो इंटरनल जो आवाज होती है ना, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, वो भी जागती है। लेकिन जब हम भीड़ भाड़ में रहते हैं, हमेशा दूसरों का साथ चाहिए हमको, दूसरों से बातें करनी है हमेशा हमको, तो ये आवाज कहीं दब सी जाती है, क्योंकि ये जो आवाज होती है बहुत ही धीमी होती है। इट इज लाइक योर इंटरनल GPS सिस्टम। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको इंटरनल गाइडेंस नहीं मिलेगी, और ये गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, जब आप अपने सोल के साथ एक होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो माइंड है ना, ये आपकी बॉडी और आपकी सोल के बीच में आ जाता है, और इस माइंड को शांत करने के लिए हमको सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, हमको थोड़ी सी मेडिटेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम हमें अलग से हमारे लिए स्पेयर निकालना पड़ेगा। नंबर 5, लास्ट बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है पैशन। अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपका पैशन वो होता है जो आपको इंस्टेंटली लाइट अप कर देता है, जो आपको फील कर देता है, जो आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशन रखता है, जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है। अगर आपके पास अगर पैशन नहीं होगा तो आपकी लाइफ सोल ड्रिवन नहीं होगी, डिजायर ड्रिवन नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ एक प्रोग्राम्ड लाइफ होगी जो कि आप इस मैट्रिक्स में फील कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर आपको अपनी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग करनी है तो अपने सोल को डिस्कवर कीजिए, अपनी पैशन को डिस्कवर कीजिए। इस पैशन को हम रोजमर्रा की जो प्रोग्रामिंग है ना, उसके बीच में कहीं खो देते हैं, क्योंकि हम दूसरी चीजों को वैल्यू ज्यादा देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो अर्निंग्स है या लाइवलीहुड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हमारे लिए पैशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि वो हमको मे बी इतनी अर्निंग ना देता हो या फिर एब्सोल्युटली देता ही ना हो, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन एक टाइम आता है, हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है, उसके बाद फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज उसके पास सब कुछ होता है, बट स्टिल ही फील्स लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग। ये जो मिसिंगनेस की जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मिसिंगनेस की जो फीलिंग है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को अपने पैशन के साथ नहीं जी है, आपने अपना पैशन अपनी लाइफ में नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन जब आप अपने छोटे से पैशन को अपनी लाइफ में, अपने प्रोग्राम लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि नाउ यू स्टार्ट फीलिंग लाइक लाइफ इज कंप्लीट बिकॉज यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, आप इनसाइड आउट हैप्पी हो जाते हैं। जब आपका इंटरनल बैलेंस्ड होगा, इंटरनल हाई वाइब में होगा, इंटरनल अलाइंड होगा, तो आपकी जो सराउंडिंग है ना, ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये जो वर्ल्ड है आपका रिफ्लेक्शन है, वो खुद ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। तो अपने पैशन को कभी मत भूलिएगा, हमेशा 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 वो तरीका खोजिए कि किस तरह आप अपने पैशन को इंक्लूड कर सकते हैं। भले ही छोटे से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट, बिकॉज ये जो पैशन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप बीच में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ में, काश ऐसा होता कि मैं अपने पैशन को फॉलो किया होता। तो क्यों इतनी देर करें, अभी से ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप आर्टिस्टिक इंसान हैं तो आर्ट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको और कुछ चीज़ पसंद है, म्यूजिक पसंद है, डांसिंग पसंद है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड कीजिए, टाइम निकालिए,
एक टाइम आएगा जब एक ये आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने पैशन के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो प्रैक्टिसेस मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड किए। देर आर सो मैनी प्रैक्टिसेस, बट सारी प्रैक्टिसेस करने से हम बड़ा ओवरवेल्म फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लग जाते हैं। तो कुछ ही प्रैक्टिसेस इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में, लेकिन उनको कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। अब मैं एक नई और इंटरेस्टिंग सीरीज लाने जा रही हूँ जो कि टोटली एनर्जीज पे बेस्ड है। अगर आप उसका इनर वर्क करेंगे तो आपका इंटरनल एकदम ही अलाइंट हो जाएगा और यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज वेन यू आर अलाइंट यू आर लाइक मैग्नेट टू मैनिफेस्टेशन। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।